हैशटैग सुपर सिक्स अफकोर्स विद मी मतलब सार्थिक शर्मा के साथ। तो चलिए आज के सबसे पहले मेन्यू कार्ड पर नजर डालते हैं, आज के वीडियो के मेन्यू कार्ड पर। तो आपको वहाँ पे सबसे पहले देखने मिलेगा कि हम आपको एक आईपीएल का ट्रिविया का क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे ड्रीम इलेवन आईपीएल 2020 की मैच नंबर 28 पर जो कि खेला जाने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में। फिर उसके बाद हम बात करने वाले इस मैच के फन कॉन्टेस्ट आप कौन से देखने मिलेंगे इस मैच में आपको। फिर हम पिक करेंगे इस मैच का हमारा मैच प्रोडक्टर कौन हो सकता है। फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। उसके बाद हम फाइनली आपको बताएंगे जो ट्रिविया हमने सबसे पहले पूछा था उसका आंसर हम सबसे लास्ट में आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए आज के ट्रिविया से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का ट्रिविया है विच प्लेयर हैज द हाईएस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट इन द ड्रीम इलेवन आईपीएल 2019। मतलब कौन से बैट्समैन का बैटिंग स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया था 2019 के आईपीएल में, सबसे ज़्यादा था। तो आप बताइए कौन सा प्लेयर है आपके हिसाब से, प्लीज़ गूगल मत की। और वीडियो के एंड तक का आपके पास टाइम है, आप तब तक हमको आंसर बता सकते हैं कमेंट्स करके। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, हमको आंसर बताइए और वीडियो के एंड में आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए आज के मैच पर बात करते हैं। तो आज का मैच खेला जाने वाला है विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिनेश कार्तिक की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में। अगर दोनों टीमों के पिछले 5 मैचेस पर अगर हम नज़र डालें तो आपको नजर आएगा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अपने पिछले 5 मैचेस में से 3 मैचेस जीत के आ रही है, पिछला मैच भी ये जीत के आई है ये टीम। और वहीं केकेआर की नज़र डालें, हम केकेआर की और नज़र डालें तो आपको वहाँ पर नजर आएगा कि पिछले 5 मैचेस में से सिर्फ एक ही मैच केकेआर की टीम आ रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है केकेआर की। तो ये तो पिछले 5 मैचेस पर बात हो गई। अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालो तो आपको वहाँ पर नजर आएगा कि एक टीम हमारी नंबर 3 पर है जो कि केकेआर की टीम है, और वही हमारी एक टीम नंबर 4 पर है जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है। तो ये दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर बात करें तो नंबर 3 और नंबर 4 पर इनकी रैंकिंग है। अब इस मैच में कौन से बड़े मैच विनर्स आप दोनों टीमों में देख सकते हो, तो आपको आरसीबी की बात करें तो आपको वहाँ पर विराट कोहली के साथ एबीडी विलियर्स, एरन फिंच, युजवेंद्र चहल, क्रिस मॉरिस ये सभी दिखने वाले। फिर केकेआर की बात करें तो आपको वहाँ पे दिनेश कार्तिक देखने मिल सकते हैं, शुभमन गिल, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, ओयन मॉर्गन, पैट कमिंस, तो बड़े बड़े मैच विनर्स दोनों टीमों में आपको इस मैच में दिखने वाले हैं। अब इस मैच से आप दोनों टीमों से क्या उम्मीद कर सकते हो, सबसे पहले आरसीबी की बात करते तो आपको वहाँ पर नजर आएगा कि इनको कोई चेंजेस की जरूरत नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं है तो कुछ सुधारने की जरूरत नहीं, कुछ टूटा नहीं है तो उसको कुछ जोड़ने की जरूरत है नहीं। तो इनका जो सेम प्लेइंग इलेवन है उसी प्लेइंग इलेवन के साथ ये टीम उतर सकती है मेरे ख्याल से। अगर केकेआर की बात करें तो आपको वहाँ पर नजर आएगा कि आंद्रे रसल ने पिछले मैच में बोली नहीं की कुछ इंजरी के कारण, तो वो इंजरी का इनका कंसर्न है, वो इनके लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न हो सकता है। आपको पता है पहले ही सुनील नारायण जब से ओपनिंग नहीं कर रहे तो इनको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना पड़ रहा है, तो उसके वजह से इनके पास एक बॉलर कम हो जा रहा है। अगर आंद्रे रसल भी अगर इंजर हो जाते उनका बैकअप इनके पास है नहीं, तो उनको एक बैट्समैन कम करके एक बॉलर ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न्स अगर हो सकते हैं अगर आंद्रे रसल इंजर्ड होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा कुछ गंभीर चोट ना हो और ये मैच वो खेले तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए बहुत ही बढ़िया खबर होगी। अब फन कॉन्टेस्ट पर बात करते हैं तो कौन से फन कॉन्टेस्ट आप इस मैच में देख सकते हो। तो सबसे पहले आप विराट कोहली के सामने आप सुनील नारायण को देख सकते हैं। विराट कोहली धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया फॉर्म में आ गए, पिछले मैच में तो 90 रन नॉट आउट मारे सीएसके के सामने, और वहीं सुनील नारायण ने पिछला मैच पंजाब के सामने सिंगल हैंडेडली बॉलिंग में जीता। तो ये बढ़िया फन कॉन्टेस्ट आपको देखने मिलेगा। फिर आपको एबी डी विलियर्स के सामने पैट कमिंस देखने मिलेंगे, तो ये बढ़िया फन कॉन्टेस्ट आपको, दोनों इंटरनेशनल प्लेयर, दोनों ही ताबड़तोड़ प्लेयर है, तो यहाँ पे बढ़िया फन कॉन्टेस्ट ये आपको देखने मिलेगा। फिर शुभमन गिल के सामने आपको युजवेंद्र चहल देखने मिलेंगे, दोनों ही प्लेयर बढ़िया फॉर्म में, पिछले मैच में भी दोनों ही प्लेयर ने बढ़िया बॉलिंग की थी, युजवेंद्र चहल ने बढ़िया बैटिंग, शुभमन गिल ने की थी। तो ये बढ़िया फन कॉन्टेस्ट आपको कुछ इस मैच में देखने मिल सकते हैं। ना वो मैं गोइंग टू पिक एज माई मैच प्रोडक्टर फॉर दिस मैच, तो मेरे ख्याल से इस मैच के लिए मेरे मैच प्रोडक्टर हो सकते हैं एबी डी विलियर्स। देखिए पिछले 3-4 मैचेस इनके इतने अच्छे गए नहीं है, सिंगल डिजिट स्कोर किया, पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए, तो मेरे ख्याल से इस मैच में बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं। तो आई एम गोइंग विद एबी डी विलियर्स। आप बताएं कि आपके हिसाब से आपके लिए इस मैच के लिए आपके मैच प्रोडक्टर कौन है, कमेंट्स कीजिए हमको। कमेंट्स का सेक्शन बिल्कुल आपके लिए, उसको पूरी तरह से भर दीजिए फ्रेंड्स। नाउ इट्स टाइम टू प्रेडिक्ट हु इज गोइंग टू विन दिस मैच। तो मेरे ख्याल से आरसीबी की टीम ये मैच आसानी से जीत जाएगी, मेरे ख्याल से आरसीबी आसानी से किसी भी टीम से हार जाने वाले। विराट कोहली भी फॉर्म में आ गए, एबी डी विलियर्स फॉर्म में थे, एरन फिंच बढ़िया फॉर्म में, युवराज पाडिकल बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, फिर युजवेंद्र चहल बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, क्रिस मॉरिस आ गए इनके पास, तो ये मेरे ख्याल से आरसीबी ये मैच जीतेगी। आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है, आपका मैच प्रोडक्टर कौन है इस मैच के लिए, फिर आप कौन से फन कॉन्टेस्ट आप इस मैच में देख रहे हैं, ये सभी चीज़ आप हमको बता सकते हैं कमेंट्स कर। प्लीज़ कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट्स का सेक्शन बिल्कुल आप ही के लिए, उसको पूरी तरह से भर दीजिए। अब ट्रिविया पर आते हैं, तो आज का ट्रिविया था कि वो कौन सा बैट्समैन है जिसका बैटिंग का स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा था 2019 के आईपीएल में।
तो यहाँ पे उस ट्रिविया का आंसर है आंद्रे रसल का बैटिंग का स्ट्राइक रेट 2019 के आईपीएल में सबसे ज्यादा जो कि था 204.81 का। तो ये सभी प्लेयर से ज्यादा था, आंद्रे रसल नंबर वन पर थे इस रैंकिंग में। तो ये तो बात हो गई आज के ट्रिविया पर। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर क्रिकेट सारथिक पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट सारथिक पर, बेल आइकन जो प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पा सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।